भगवान उज्जैनी में हो। मालव देश गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। वो मालवा देश, मालवा माने ये जो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, थोड़ा राजस्थान का भी हिस्सा उसमें, ये मध्य प्रदेश का एक विशेष हिस्से का नाम मालवा। एक हमारे यहाँ पंजाब में भी मालवा है, माचा है, दुआबा है, इधर अपने हरियाणा में भी, हरियाणा में कई हरियाणा है, एक हिमाचल की ओर लगता हुआ हरियाणा, एक राजस्थान की ओर लगता हुआ हरियाणा, ये दिल्ली वाला हरियाणा। तो वहाँ पढ़ाने भेजा, हमारे यहाँ के भी साधु बहुत गुणी हैं, चतुर हैं, सुजान हैं। एक हरियाणवी साधु कहता था, घरा घरा मत जाइए रे दुकड़ा, घना पछताएगा, मारा बार ना खुला पड़ा है, तू कद आएगा। घरा घरा मत जाइए रे दुकड़ा, मारे घर आ भाई, बार ना खुला पड़ा, मारे घर चला, बार ना दरवाजा खुला हुआ, दुख को ही आमंत्रण दे रहा है। तो दुख ने कहा मुझे क्यों बुला रहा है, तो भाई उसने कहा तू घना दुखी हो गया। अरे भाई इब हमारे पास भी आ, तो कहते दुखी चला गया। वो कहते हैं इन दुखों को बुलाया एक साधु ने कि बड़ा दुखी कर रखा है इन्होंने दूसरे लोगों को, तो भक्तों को सुख देने का एक काम ये किया जाए कि दुख को ही यहाँ बुला लो, ये दुखी नहीं करेगा फिर भक्तों को। भगत बड़े दुखी हैं, घरा घरा मत जाइए रे दुखड़ा, हमारे पास आ। तो ज्ञान में दुख ही नहीं है कोई, ऐसे नारा भगवान पहुंचे मालव देश में, संदीपनी आश्रम में, जहाँ हर सिद्धि गढ़गालेगा, चिंतामर गणेश, मंगलनाथ, क्षिप्रा का तट, भूतनाथ भगवान, महाकालेश्वर, उज्जैनी, सप्तपुरियों में से एक, मोक्षदा अवंतिका। 64 दिन रात में वहाँ विद्या अर्जन कर और सुदामा जैसे को भी अपना मित्र बनाकर भगवान चले आए, कठोर अनुशासन में रहकर। योग, भक्ति, ज्ञान कोई भी विधा हो वो तभी सिद्ध होती है जब अनुशासन आए। जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है उन्हें भक्ति, ज्ञान, योग, अध्यात्म, अर्थ, परमार्थ अथवा परलोक की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। शास्त्र कहता है अनुशासन, संदीपनी आश्रम में अनुशासन सबका वही करना होगा सबको, और कृष्ण वही कर रहे थे, सूखा काष्ठ चयन कर रहे थे, राम को सूखी लकड़ियां बीननी पड़ गई। भाई एक बात तो है कि गुरु कुछ दें न दें आपको अनुशासन तो सिखा देते हैं, एक वो की हाथ तो लग जाती है, डिसिप्लिन की, ऑनेस्टी की, ट्रांसपेरेंसी की, एक डिवोशन की हाथ तो लग जाती है, एक कॉन्फिडेंस की हाथ तो लग जाती है। और कोई हमसे पूछे कि आपके गुरुओं के, आपको अपने गुरुओं से मिला क्या, तो हम भी यही विनम्रता के साथ कहेंगे कि हमें अपने गुरुजनों से अनुशासन की चाबी हाथ लग गई, कि समय का पालन कैसे करें, लोक व्यवहार कैसे करें, आहार विहार निहार कैसे करें, एक आत्मविश्वास की चाबी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की चाबी, सक्सेस का यही एक मंत्र है। और वहां वो सूखा काष्ठ चुन रहे हैं, सूखी लकड़ियां। 64 दिन रात में वह सुदामा को मित्र बनाकर, यद्यपि सुदामा ने भी भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे, गुरु माता ने ऐसे 40 चने गिन कर दिए थे, 40 40 40 सबको, जब अपने हिस्से की खा रहा था सुदामा तो भगवान ने कुछ नहीं टोका, लेकिन उनके हिस्से का जब पहली बार लिया सुदामा ने तो भगवान ने ऊपर से टोका, पत्तों में छुपे हुए थे भगवान, वर्षा हो रही थी और सुदामा ठिठुर रहा था, नीचे बैठा था, उस भयानक वर्षा में भगवान ही पत्तों के बीच में छुप गए, लकड़ियां चुनने के लिए आए थे। और गुरु माता ने कहा था भूख लगे तो चने खा लेना, और सुदामा ये 40 चने तेरे और 40 है कृष्ण के, उन्हें भी दे देना, अपने हिस्से के तो खा ही गया,
अब भगवान का हिस्से का एक खाया तो भगवान ने टोका, अरे सुदामा क्या चबा रहा है? सुदामा ने भूल से कह दिया, ठंड लग रही है, मेरे दांत बज रहे हैं, कुछ नहीं चबा रहा। दूसरे तीसरे कुछ हम धर्मादे का खा जाते हैं, उनका भी खा जाते हैं, दूसरों का हिस्सा भी। अरे सबके हिस्से हैं, पुत्री का, पत्नी का, माता का, पड़ोसियों का, परिजन पुरजनों का, ऋषि मुनियों का, पंछी परिंदों का, सबके हिस्से खा जाओगे। न केवल धन, दूसरों के हिस्से का समय भी है, संवेदनाएं भी हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्मित धनम। शास्त्र कहता है त्याग पूर्वक भोगो, विचार पूर्वक भोगो, दूसरों के हिस्से उन्हें दो। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी, किसी का हिस्सा मत रखना अपने पास, कभी नहीं। वो पचेगा नहीं, दुर्गति कर देगा, रोग ले आएगा, अनिष्ट कर देगा, अमंगल कर देगा, जीवन पथ अवरुद्ध कर देगा, जीवन में हार आ जाएगी। छल करके किसी का हिस्सा मत ले लेना। इसलिए उनके हिस्से उन तक पहुंचाओ, वो समय के हिस्से, संवेदनाओं के हिस्से, वो द्रव्य है अथवा वो कुछ भी है, किसी का भाग अपने पास मत रखो। देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते, यही उपासना है। और यज्ञ किसे कहते हैं? भाग देना सीखना। यज्ञ कुछ और नहीं है, यज्ञ में भागों का विभाजन होता है, मात्राओं का विभाजन।